आदरणीय हुकुम सिंह जी के इस विषय पर उद्बोधन के बाद कुछ विशेष कहने के लिए रहता नहीं है। सबसे पहले तो मैं इंटेलेक्चुअल सेल को इस आयोजन के लिए बधाई भी देता हूं, जिन्होंने बहुत ही सामयिक विषय को इस फोरम के माध्यम से हमारे दिल्ली के प्रबुद्ध जनता को और इंटेलेक्चुअल्स को इस विषय पर अवगत कराया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हुकुम सिंह जी को भी कि उन्होंने बहुत अपना कीमती समय दे करके और इस उद्बोधन के माध्यम से यहाँ हमारे इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड को वास्तविक स्थिति से अवगत कराया है। उनके बोलने के पश्चात कुछ विशेष नहीं रहता, सिर्फ मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि हमें असल दुश्मन को पहचानने की आवश्यकता है और इस दृष्टि से जैसा उन्होंने कहा कि हम चिंतन भी करें, चिंता भी करें और चिंतन करके ये जो डिविजिव फोर्सेस हैं, इन डिविजिव फोर्सेस को रिकॉग्नाइज करते हुए, अपने में सद्भाव रखते हुए इनको मुंहतोड़ जवाब देने की आवश्यकता है और इसके लिए आप सब लोगों का योगदान, आप लोगों का सहयोग चाहिए। जो हमारे सामने प्रबुद्ध जनता बैठी है, इंटेलेक्चुअल फोरम है, आपकी बहुत ताकत है और आपके द्वारा कहा गया विषय समाज में एक विशेष स्थान रखता है और समाज में उसका एक उसे माना जाता है। इसलिए आप जब इस विषय को रखेंगे तो निश्चित रूप से इसका एक इम्पैक्ट पड़ेगा। एक लंबे समय से अदर देन भारतीय जनता पार्टी जितने भी राजनीतिक दल हैं, उनका हमेशा ये कोशिश रही है कि वो वोट बैंक पॉलिटिक्स करें और वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए ये आवश्यक है कि क्राइम और पनिशमेंट या गवर्नेंस में ऑब्जेक्टिव नहीं रहे, ये सब्जेक्टिव रहे। जितनी भी गवर्नमेंट्स रही हैं, आपने देखा होगा कि उन चर्चा गुजरात की करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि देश के अन्य राज्यों में जितने रायट्स हुए हैं वो सभी प्रायोजित रायट्स और वो राजनीतिक प्रेरित रहे हैं और उनका जिस तरीके से उन्होंने निराकरण भी किया है, वह निराकरण भी इस बात को बताता है कि वह कभी भी ऑब्जेक्टिव नहीं रहा, वो सब्जेक्टिव रहा है। उसका उद्देश्य समाज को विभाजित करने का रहा है और समाज को विभाजित करने के लिए येन केन प्रकारें, अब मैं यहाँ नहीं चाहता कि किसी को मैं प्रभावित करूं या उनके उनके में कोई विद्वेष की भावना आए या उनमें कोई इस तरह की भावना पैदा हो जो डिविजिव फोर्सेस को मदद करता हो, लेकिन एक समाज में सोचने के लिए यह आवश्यक तो है ही कि संगीत सोम वो एनएसए में बंद है और दूसरी ओर मौलाना नाजिर को रेड कारपेट ट्रीटमेंट दिया जाए, और रेड कारपेट ट्रीटमेंट ही ना दिया जाए, चीफ मिनिस्टर उनसे सहयोग मांगने के लिए इतना लाचार दिखे और उनसे सहयोग मांगने की अपील करे, और यह भी अपील कोई बंद दरवाजे में नहीं, कोई 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 किसी बंद कमरे में नहीं, ओपनली। ये इस बात को बताता है जिस बात को हुकुम सिंह जी ने बहुत अच्छे से रखा कि अविश्वास या विश्वास का अभाव सरकार के प्रति, गवर्नेंस के प्रति यह पैदा हो और यह अविश्वास का भाव जिससे प्रदेश नुकसान में पड़े वह उनके राजनीति करने का तरीका बन जाए, वही मेथोडोलॉजी बन जाए, वही उनकी स्ट्रेटजी बन जाए, तो आप समझ सकते हैं कि दुश्मन कितना गहरा है और राजनीतिक दृष्टि से इसको हमको समझने की आवश्यकता है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा जो हुकुम सिंह जी ने भी कही है कि इन सब चीजों पर चिंतन करने की आवश्यकता है और सद्भाव बनाते हुए वी विल हैव टू फाइट फॉर द रियल एनिमी, और रियल एनिमी में वह आते हैं जो इस मानसिकता को प्रोपोगेट करते हैं, जो इस मानसिकता के आर्किटेक्ट हैं, और मानसिकता के आर्किटेक्ट वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो स्यूडो सेकुलरिज्म के माध्यम से, वोट बैंक पॉलिटिक्स के माध्यम से
समाज को डिवाइड करके अपने आप को सत्ता में रखने का प्रायोजन करती है। मुझे लगता है कि यहाँ इंटेलेक्चुअल सब बैठे हैं, सब हमसे ज़्यादा जानकार हैं, सबको जानकारी है ही। आवश्यकता इस बात की है कि इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सामने रखें। आने वाले समय में क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, पॉलिटिकल पार्टी की दृष्टि से हम काम कर रहे हैं, तो मैं इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड से भी ये निवेदन करूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक डेमोक्रेटिक ताकत के कारण समय के सारे चैलेंजेस को हमने एक्सेप्ट किया है। आज हमारे पास पहले भी था, हमेशा एक निरंतर काल में हम पार्टी लीडरशिप देती रही है, हमारे पास नेतृत्व है, नीति है, कार्यक्रम है, और उस कार्यक्रम का एक गौरवपूर्ण इतिहास। उन बातों को ध्यान में रखते हुए अब कोई सिर्फ सूबा नहीं बदलना है, अब सिर्फ किसी सूबे की बदलाव की बात नहीं करनी है, देश की राजनीति बदलनी है। और देश की राजनीति बदलने के लिए निश्चित रूप से यह हमारा भी सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सब लोग लोकसभा के चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपका सहयोग मिलेगा और इंटेलेक्चुअल फोरम इस तरीके के सामयिक विषयों पर चर्चा करेगी जिससे हमारे सोचने की ताकत जो है उसको हम सही रूप में इस्तेमाल कर सकें, जनता को ताकत दे सकें और सही दिशा में लीड कर सकें। यही मैं निवेदन करूंगा। आज के कार्यक्रम में आप सब आए, पार्टी की ओर से आप सबका आने पर मैं धन्यवाद भी करता हूं, और इस तरीके के इंटेलेक्चुअल फोरम्स पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और सामयिक विषयों पर चर्चा करें, ऐसा मैं निवेदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।